राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, न कोई दोस्त होता है और न कोई दुश्मन होता है। यह बातें तब समझ में आती हैं जब सत्ता की नींव में सेंध लग जाती है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी इस बात का इल्म बखूबी हो रहा होगा, क्योंकि उनके पिता बाल ठाकरे के नाम पर हो रही सियासत के भंवरजाल में उनकी सत्ता डूबने के कगार पर पहुंच गई है। खुद को बाल ठाकरे का सच्चा सिपाही बताने वाले एकनाथ शिंदे ने ऐसा बागी तेवर अख्तियार किया जिससे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की नींद उड़ी हुई है। बाल ठाकरे के पैने हिंदुत्व की दुहाई देते हुए एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस को गुड बाय कहें और भाजपा का वेलकम करें। लेकिन बीते लगभग 2.5 सालों में भाजपा ने जिस तरह से शिवसेना पर हमला किया है, उद्धव सरकार को गिराने की कोशिश की है, उससे ठाकरे और फडणवीस के बीच में दूरियां इस कदर बढ़ गई हैं कि फिलहाल उद्धव ठाकरे भाजपा के साथ गलबहियां करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। वहीं भाजपा के शह पर उद्धव को मात देने के लिए गुजरात पहुंचे एकनाथ शिंदे का काफिला देर रात चार्टर्ड फ्लाइट में बैठकर असम पहुंच गया। सभी विधायक गुवाहाटी के रेडिसन होटल में ठहरे हुए हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बागी तेवर अपनाने वाले शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने कथित तौर पर दावा किया है कि उनके साथ पार्टी के 40 विधायक असम पहुंचे हैं। शिंदे ने कहा, उनके साथ आने वाले विधायक महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व को बुलंद करने के लिए बेचैन है। अब सवाल उठता है, ये हिंदुत्व की बेचैनी शिवसेना में खुद ब खुद उठी कि भाजपा ने उसे उबालने के लिए शिंदे को कोई प्रलोभन दिया है या एजेंसियों का डर दिखाया है? क्योंकि बीते मंगलवार को महाराष्ट्र में चल रही राजनीतिक उठापटक के बीच शिवसेना विधायक अनिल परब के साथ ईडी ने 10 घंटे की लंबी पूछताछ की और उन्हें बुधवार को फिर बुलाया है पूछताछ के लिए। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत विधायक अनिल परब पर आरोप लगाया है कि उन्होंने रत्नागिरी जिले के दोपाली इलाके में एक जमीन को मुंबई के एक केबल ऑपरेटर सदानंद कदम को 2020 में 110 करोड़ रुपए में बेचा था। इस दौरान 2017 से 2020 तक इस जमीन पर रिजॉर्ट बन गया और इस रिजॉर्ट पर तटीय विनिमय क्षेत्र के प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगा है। जानकारों का मानना है कि ईडी इस कथित हेराफेरी के मामले में अनिल परब को गिरफ्तार भी कर सकती है। शिवसेना नेताओं का दबे जुबान में आरोप है कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व शिवसेना विधायकों के बीच दहशत पैदा करने के लिए अनिल परब को जेल में डाल सकता है। मालूम हो, इससे पहले एनसीपी के 2 विधायक ईडी के आरोपों के कारण पहले ही जेल में हैं। दोनों विधायक अनिल देशमुख और नवाब मलिक उद्धव सरकार में मंत्री रहे हैं। ऐसे में शिवसेना आरोप लगा रही है कि ईडी ने महाराष्ट्र में शिवसेना विधायकों की फाइल तैयार कर ली है जिन्हें दबाव बनाने के लिए पेशी पर बुलाया जा सकता है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद पहले ही भाजपा शासित गुजरात पहुंच गए हैं और उसके बाद अब वो आसाम में मौजूद हैं। मौजूदा राजनीति को देखते हुए कयास लग रहे हैं कि एकनाथ शिंदे अन्य विधायकों के साथ महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराने के लिए बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए लोकमत हिंदी।